सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो न्यू फॉर्मूला सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूलास ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो चलिए देखते हैं विच आर द फॉर्मूलास फ्रॉम दिस चैप्टर। तो जो सबसे पहला हमें फॉर्मूला डिस्कस करना है, दैट इज रिलेटेड टू गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस लॉज, लाइक हमारे पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे-लुसैक्स लॉ है, जो बेसिकली हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके बेसिस पर उनका इक्वेशन देखेंगे और फिर हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और अल्टरनेट आइडियल गैस इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है। तो देखो, सबसे पहला आ जाता है हमारा बॉयल्स लॉ, राइट। वैसे तो मैंने वन शॉट वीडियो में सारा चीज़ कवर अप किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो याद रखना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई पी वी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन जनरल यू कैन राइट द फॉर्मूला लाइक पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर कोई कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर P फॉर प्रेशर है, V फॉर वॉल्यूम है। ठीक है, मेक श्योर कि जो ये वॉल्यूम है उसे आप कैपिटल V से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अदरवाइज कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है स्मॉल V एंड कैपिटल V स्पीड और वॉल्यूम में। उसके बाद जो सेकेंड हमारा लॉ है, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स ऑफ गैस है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और एट ए टाइम 2 वेरिएबल वेरी करते हैं तो एक हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो इस लॉ के हिसाब से देखा जाए तो आई कैन से दैट वी बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो देयर फॉर यू कैन राइट दैट वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू। ठीक है, तो ये हमारा एक और इक्वेशन मिल गया रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। वहीं पर तीसरा लॉ, जैसे कि हम जानते हैं क्या है, गे-लुसैक्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ, यू नो दैट कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो आई कैन राइट दैट पी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इन जनरल हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज़ पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू डिफरेंट गैस लॉज। क्योंकि अगर हम ये तीनों गैस लॉज को मिला दें तो हमें मिलेगा इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n का मतलब जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, दैट इज़ n को हम क्या लिख सकते हैं, n बाई एन ए लिख सकते हैं। ठीक है, n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वहीं पर एन ए को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है, तो एवोगैड्रोस नंबर इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ गैस। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, दैट इज़ 6.022 × 10⁻²³, जो कि ऑलरेडी आपको पता होगी। तो एक तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, एंड जो सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज़ एन इज इक्वल टू एम बाई एम नॉट, जिसे हम मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास भी कहते हैं। तो मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि जो पर्टिकुलर हमारा न्यूमेरिकल है उसमें क्या आस्क है, उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेंगे फॉर्मूले को। तो याद रखना है कि n को हम क्या लिख सकते हैं, m बाई एम नॉट भी लिख सकते हैं, और n को हम क्या लिख सकते हैं, n बाई एन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहीं पर एक और चीज़ आप जान लो, दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट आइडियल गैस इक्वेशन। ये भी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अल्टरनेट आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो अल्टरनेट आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखोगे, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, वैसे पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। यहाँ पर वही पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के बी है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो वैसे बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। और टी फॉर क्या है, टेम्परेचर। बेसिकली इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिलेटेड आपको रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपको n1 बाई n2 का एक फॉर्मूला याद रख लेना है, वो क्या होगा, देखो p1v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू p2v2 अपॉन t2, जिसे मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके आगे लिखूँ तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखोगे कि n1 बाई n2 इज इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा, पी वन वी वन मल्टीप्लाइड बाई टी टू अपॉन पी टू वी टू मल्टीप्लाइड बाई टी वन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस विल हेल्प यू टू फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज थे राइट, जो आपको पता होने चाहिए। अब हम मेन फॉर्मूलाज पे आते हैं यहाँ पर, दैट इज़ सबसे पहला है रिलेटेड टू मीन फ्री पाथ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, दैट इज़ रिलेटेड टू मीन फ्री पाथ। देखो मीन फ्री पाथ से रिलेटेड वैसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जांपल में दिया है, एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ में एंट्रेंस में भी इस पर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जल्दी पूछते नहीं है, बट फिर भी आप ये फॉर्मूला याद रखो, तो इनकेस कभी अगर आए तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो मीन फ्री पाथ को जनरली हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर एन अपॉन वी। ठीक है, क्या होता है, रूट पाई डी स्क्वायर एन अपॉन वी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ पर डी का मतलब क्या है समझते हैं। तो देखो डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, डी का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, वहीं पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और उसके बाद ये जो V दिख रहा है, V फॉर क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर जो N बाई V आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे हम नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। तो याद रखना है कि वेयर N बाई V इज़ कॉल्ड नंबर डेंसिटी, और इसे किसे डिनोट करते हैं, रो से। तो आप N बाई V की जगह पर रो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। मीन फ्री पाथ का अगर मैं यूनिट की बात करूँ, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एस आई यूनिट ऑफ मीन फ्री पाथ इज़ मीटर। ठीक है, उसी तरीके से मैंने इससे पहले आपको यूनिट नहीं बताया है, जो कि बेसिकली आपको पता होगा कि प्रेशर का पास्कल यूनिट होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, और याद रखना है कि केटीजी चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से रिलेटेड टेम्परेचर का अगर कोई भी चीज़ होगा ना, तो वहाँ पर टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में फिट कर लो कि केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल जहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, उसे केल्विन में कन्वर्ट करके ही आगे सॉल्व करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, देखो इसके ऊपर डेरिवेशन तो मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखना। यहाँ पर इसका ये मतलब है, जैसे कि हम जानते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने क्या रख दिया, आइडियल गैस रख दिया। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि गैस के मॉलिक्यूल लगातार क्या करेंगे, रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे, और इस कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे। जब इस कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे, दैट मीन्स वो क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 एन एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो डेरिवेशन से हमें मिलता है। यहां पर देखो एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एम का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, वहीं पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, या मीन स्क्वायर स्पीड आप कह सकते हो। और कैपिटल वी फॉर वॉल्यूम है, कैपिटल वी फॉर क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, और याद रखना है कि एज वी नो दैट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विल गिव अस द मास ऑफ आइडियल गैस। मतलब अगर आपको ये पता करना है कि भाई इस कंटेनर में जो गैस रखी उसका टोटल मास कितना है, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक मॉलिक्यूल का कितना मास है और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मास ऑफ द गैस मिल जाएगा। तो कैपिटल एम का मतलब यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द गैस है। ठीक है, तो देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देयरफॉर इट इज़ 1/3 एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर रेशियो के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए तो फिर आप लिखोगे पी वन बाई पी टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम वन वी वन का स्क्वायर अपॉन एम टू वी टू का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बार नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ जाना ये मीन स्क्वायर स्पीड ही है। ठीक है, अच्छा इस केस में हम ऐसा मान लेंगे कि वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट, यानी ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहीं पर एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है कि एज वी नो दैट कि जो डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ गया, मतलब
मतलब टोटल तीन फॉर्मूले यहाँ पर याद रखना है। पहला फॉर्मूला जो बेसिक है दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या है, मास ऑफ द गैस। तीसरा फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, और ये जो मैंने रेशियो के फॉर्म में ये जो फॉर्मूला लिखा है ये भी आपको याद रखना है। देखो हमेशा आप याद रखो कि एक ही जनरल फॉर्मूला याद रखो और फिर उसके मॉडिफिकेशन का तरीका सीख लो। जब आप मॉडिफिकेशन का तरीका सीख लोगे तो आपके लिए भी सारी चीज़ें आसान बन जाएंगी। वहीं अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो देखो अगेन प्रेशर का यूनिट तो वही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और मास ऑफ द गैस को तो हम केजी में मेजर करेंगे, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यूनिट जो आपको यहां पर मिलने वाला है तो जनरली जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वही होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब ही रहेगा। ठीक है, डेंसिटी का तो जैसे कि हम जानते हैं डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब VRMS। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो VRMS पे ही पूछे जाते हैं, तो VRMS का पहले तो मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। VRMS का जनरल फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 3RT/m0। क्या होता है, रूट ऑफ 3RT/m0, यानी कि अगर क्वेश्चन में मान लो टेम्परेचर दिया है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट दिया है, मोलार मास दिया है और आपको RMS स्पीड निकालना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, और याद रखना है कि एज वी नो दैट कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT, या PV इज इक्वल टू NRT, तो आप कभी भी इस फॉर्मूले को RT की जगह पर PV से रिप्लेस कर सकते हो। बट देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ केसेस आपको बता रहा हूँ, ये अगर स्पेशल केसेस आप याद रखोगे तो आपके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो कि अगर ये हमें दिया हो कि इफ़ टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है, अगर टेम्परेचर सेम है तो फिर VRMS 1/VRMS 2 का जो रेशियो का फॉर्मूला बनेगा, जिसे मैं V1/V2 लिख देता हूँ, हर बार RMS लिखूंगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मोलार मास ऑफ 2/मोलार मास ऑफ 1। ठीक है, ये कैसे आता है वो मैंने डेरिवेशन में डिराइव करके बताया हुआ है, तो वन शॉट वीडियो में आप देख लेना। तो अब फिलहाल के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। और अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि इफ मान लो मोलार मास ऑफ 1 इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ 2 है, अगर मोलार मास सेम है तो फिर V1/V2 का जो फॉर्मूला हमें निकल के आता है दैट इज रूट ऑफ T1/T2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेशियो के फॉर्म में पूछा जा सकता है। और तीसरा हमारा केस ये बनता है कि अगर आप मान लो कि इफ T1 इज नॉट इक्वल टू T2, T1 T2 के बराबर भी नहीं है, एंड M0/1 इज नॉट इक्वल टू M0/2, और मान लो मोलार मास भी सेम नहीं है। ठीक है, और अगर आपको रेशियो निकालना है VRMS 1/VRMS 2 का, तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज कॉमन रूट ले लेते हैं और ये हो जाएगा T1 into M0/2 upon T2 into M0/1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला हो गया, और एट द एंड आपको याद रखना है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर विद काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक थियरी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 2-3 फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है 3/2 PV। ठीक है, यानी अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, दैट इज 3/2 P × V। P फॉर यहाँ पर प्रेशर है और V फॉर क्या है, वॉल्यूम है। याद रखना है कि प्रेशर अगर आपको ATM के टर्म्स में दिया होगा, लाइक फॉर एग्जांपल 2 ATM, तो आप फिर आप ये देखोगे कि जो 1 ATM की वैल्यू होती है वो आपको जनरली कितना लेना है, दैट इज़ 1.013 × 10^5। तो फिर आपको वहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ सकता है। नाउ एज अपने को पता है कि PV जो है वो बेसिकली NRT होता है, तो इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ E = 3/2 NRT। तो देखो एक ही बेसिक फॉर्मूला है लेकिन उससे हम अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हो कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एज PV = NKBT होता है, अल्टरनेट आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, E = 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा NKBT। ठीक है, यानी कि PV को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, NKBT से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर याद रखना है कि N जो है बेसिकली वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, जिसका फॉर्मूला N/NA है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट। और एट द एंड आपको याद रखना है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस।
इसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाते हैं दैट इज रिलेटेड टू रेडिएशन। तो चलिए देखते हैं रेडिएशन से रिलेटेड फॉर्मूला। सो रेडिएशन से रिलेटेड जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है दैट इज क्यू इज इक्वल टू, क्यू का मतलब क्या है, टोटल हीट एनर्जी इंसिडेंट ऑन एनी सर्फेस कैन बी इक्वल टू हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड प्लस हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हो कि अगर मान लो कि मेरे पास ये कोई सरफेस है और इस सरफेस में मैंने 100 जूल की हीट एनर्जी इंसिडेंट कराई है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो 100 जूल की हीट एनर्जी इंसिडेंट हुई है इसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इसी में एब्जॉर्ब हो सकती है और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल क्यू हो जाएगा, ये हमारा क्यू आर हो जाएगा, दिस विल बी क्यू ए एंड दिस विल बी क्यू टी। अब अगर मैं इसको Q से डिवाइड करूं तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिलेगा दैट इज़ वन इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस r प्लस t। ठीक है, अच्छा इसका यहाँ पर स्मॉल a का मतलब क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। स्मॉल a को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जरूर जाते हैं बट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, तो आप पी वाई क्यूस वाला जो मेरा वीडियो देखेंगे वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो स्मॉल a का फॉर्मूला होता है क्यू ए बाई क्यू, क्यू ए बाई क्यू मतलब कि टोटल हीट एनर्जी अब्जॉर्ब टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट। वहीं पर अगर मैं बात करूँ स्मॉल आर का तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू आर बाई क्यू, और अगर टी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू टी बाई क्यू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर आपको इस तरीके से एम सी क्यूज वगैरह पूछ सकता है कि भाई ए की वैल्यू मान लो 0.2 है, ठीक है, और आर की वैल्यू मान लो 0.5 है, तो बताओ फिर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ऐसा पूछा तो बस आपको ए की जगह पर 0.2 रखना है, आर की जगह पर 0.5 रखना है एंड देन यू कैन सॉल्व इट, आपको मिल जाएगा टी की वैल्यू विल बी 0.3, और बाकी ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। ठीक है, तो दिस आर द फॉर्मूला रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू रेडिएंट पावर, या जिसे हम एम एस यू पावर भी कहते हैं। ये फॉर्मूले का काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, तो आपको याद रखना है कि एम एस यू पावर जिसे हम नॉर्मली आर या रेडिएंट पावर आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, अगर हो सकता है कि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इसे ई से भी डिनोट किया हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है बिकॉज रेडिएंट पावर और एम एस यू पावर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है रेडिएंट पावर दैट आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए टी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर मैं एम एस यू पावर यानी रेडिएंट पावर की एसआई यूनिट की बात करूँ तो इसका एसआई यूनिट आप याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ आर इज, देखो क्यू का हो जाएगा जूल, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो बिकॉज जूल अपॉन सेकेंड मतलब पावर अपॉन का यूनिट क्या होता है, वॉट। ठीक है, तो अगेन क्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी का यूनिट जूल होता है, राइट। वहीं पर अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का मतलब है एरिया, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम हियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू इमिसिविटी। ठीक है, जैसे हमने देखा कोएफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, उसी तरीके से एक और टर्म है जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन यानी इमिसिविटी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। क्या होता है, आर अपॉन आर बी, यहाँ पर आर का मतलब होता है एमिसिव पावर या रेडियंट पावर, रेडियंट पावर ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी। ठीक है, याद रखना है दिस इज़ ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी, और वहीं पर आर बी का मतलब होता है रेडियंट पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, अच्छा कोएफिशिएंट और एमिशन ई को कोई यूनिट नहीं होता है बिकॉज दोनों सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। बस आपको एक बात याद रखना है कि ऑर्डिनरी बॉडी के लिए जो ई की वैल्यू होती है वो जीरो से ज़्यादा और वन से कम होती है, वहीं पर परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अगर बात करें तो ई की वैल्यू हमेशा वन होती है। तो ये दो वैल्यू आप एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी याद रख सकते हो, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आसानी होगी आपके लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज़ रिलेटेड टू विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमें ये पता चलता है लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब होता है कि वो सबसे छोटा वेवलेंथ जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इसको ऐसा लिखते हैं लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, और यहाँ पे जो बी है वो बेसिकली विंस कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, विंस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.897 × 10⁻³, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
इसके ऊपर रेशियो के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फॉर्मूला रेशियो के फॉर्म में क्या याद रखना है, लैम्डा मैक्स 1 इंटू टी 1 इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स 2 इंटू टी 2, ठीक है। तो ये रेशियो के फॉर्म में भी फॉर्मूला अगर पूछे तो हम इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। वापस से देखो, लैम्डा बेसिकली वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एस आई यूनिट ऑफ, याद रखना है, लैम्डा इज मीटर। वही मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टेम्परेचर का यूनिट आपको क्या यूज़ करना है, केल्विन। तो अगर इनकेस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज़ रिलेटेड टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन से हमें यह पता चलता है कि जो एमसी पावर आर है इट इज़ इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। यानी उन्होंने बताया कि जो एमिसी पावर आर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4। यानी जो भी बॉडी का एमिसी पावर होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो जब हम प्रोपोसिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पर सिग्मा आ जाता है, और सिग्मा बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसे हम स्टेफन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, और इसकी भी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। यूनिट तो हम इसका निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसको और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर जो R है वो आप याद रखोगे कि R को हम कभी भी A बाई क्यू अपॉन ए टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आप दिख रहे हो, इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख लेता हूँ, क्यू बाई ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। तो अगर यहाँ सिर्फ मुझे सिर्फ खाली हीट एनर्जी एमिटेड निकालना हो तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टी सिग्मा टी रेज टू 4, ठीक है। वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे रेट ऑफ लॉज ऑफ हीट निकालना है या मुझे पावर निकालना है, तो फिर आप क्यू बाई टी लिखोगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए सिग्मा टी रेज टू 4। और आप जानते हो कि क्यू बाई टी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो रेडियंट पावर का जो यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा पी, दैट विल बी इक्वल टू ए सिग्मा टी रेज टू 4। यानी देखो, ये तो बेसिकली एक मॉडिफिकेशन हो गया है ना, जनरल फॉर्मूला एक ही है आपके पास, आर इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। उसमें आप आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते जाओगे, आपको नए नए फॉर्मूले मिलते जाएंगे। अब इसमें जो एक फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना वो ये है, क्योंकि इसमें रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो कि हमने बॉडी को सराउंडिंग टेम्परेचर पर लेके आ गए, तो ड्यू टू द रेट ऑफ लॉज ऑफ हीट जो वहाँ पर रेडियंट पावर का आपको ये पूछेगा, रेशियो पूछेगा, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज़ टी वन रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4 अपॉन इट विल बी टी टू रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4, ठीक है। यहाँ पर टी नॉट का मतलब होता है सराउंडिंग टेम्परेचर, तो याद रखना है कि टी नॉट का मतलब क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ टी वन क्या है, तो आप बोलोगे टी वन इज़ द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड टी टू इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड बॉडी। और लास्ट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, दैट इज़ रिलेटेड टू मेयर्स रिलेशन। तो क्योंकि मेयर्स रिलेशन तो वैसे केटीजी का ही पार्ट है, राइट, लेकिन मैं भूल गया था इसके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। मेयर्स रिलेशन का आपने एक डेरिवेशन डिराइव किया होगा, दैट इज़ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी पी का मतलब होता है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सी वी मतलब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और आर का मतलब यहाँ पर है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आर का मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू आप जानते हो 8.314 एंड सो ऑन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि न्यूमेरिकल वाइज जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले को ऐसे हमें मॉडिफाई करना होगा कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन जे। यहाँ पर जो जे है इसका मतलब क्या होता है, वेयर जे इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपकी सी पी और सी वी की वैल्यू हो इन टर्म्स ऑफ कैलोरी कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं, और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल होती है, जूल पर मोल केल्विन। तो फिर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जे यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.2 होती है, नॉर्मली 4.18 भी हम ले सकते हैं, उस वैल्यू से फिर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तब हमारा आंसर परफेक्ट आता है, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हो एक रिलेशन है कि जो सी पी होता है वो एम नॉट ऑफ एस पी भी हो सकता है, एंड सी वी को हम एम नॉट ऑफ एस वी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिलेगा, एस पी माइनस एस वी इज इक्वल टू आर अपॉन एम नॉट टाइम्स जेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट आ गया, और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट आ गया। दीज आर द ओवरऑल फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से नोट डाउन करो, एंड नोट डाउन करने के बाद फिर आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में।